मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। वैश्विक महामारी के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते गांव में रह रहे ग्रामीणों को दोपहर की रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं। वही क्षेत्र में इस समय चल रहे लॉकडाउन का दंश झेल रहे गरीब मजदूर लोग भुखमरी के शिकार बन गए हैं। ऐसे में मोरावा पुलिस ने आधा दर्जन गरीबों को जीने के लिए जीविका सामग्री मुहैया कराई। ब्लॉक मुख्यालय हिलौली के रामलीला मैदान में आधा दर्जन अत्यंत गरीब मजदूर परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। लॉकडाउन के चलते वह सभी गरीब दैनिक मजदूरी करने में भी असमर्थ हैं। जिन्हें दैनिक रोजमर्रा की जरूरी सामग्री न मिलने से पिछले दो दिनों से बिना भोजन खाए रह रहे थे। उक्त जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने हल्का प्रभारी सीताराम मिश्रा व सिपाही सज्जाद मोहम्मद को निर्देशित करते हुए उक्त सभी भूखे परिवारों को खाद्यान्न जैसे दाल चावल आटा सब्जी व फल आदि जरूरी सामग्री भेजकर उनके खाने पीने का यथोचित प्रबंध किया। खाद्य सामग्री पाकर सभी परिवार के सदस्यों ने चैन की सांस लिया। वही पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करने की बात कही।